द वंडरफुल मीन्स ऑफ सरमाउंटिंग ऑब्स्टिकल्स, सारी बाधाओं को पार करने का अद्भुत उपाय। यदि हम लोटस सूत्र के आधारभूत या मौलिक उपदेशों और सैद्धांतिक उपदेशों का परीक्षण करें तो हम देखेंगे कि सैद्धांतिक उपदेश तो वैसे ही हैं जैसे लोटस सूत्र के पहले आधे भाग में आए हैं या जैसे लाए गए थे, अर्थात बुद्ध को पहले पहल इसी जन्म में प्रबुद्धता प्राप्त हुई थी। अतः ये उपदेश तब भी अवरोधों से घिरे हुए थे। आधारभूत उपदेशों ने, मौलिक उपदेशों ने अपने आप को इन अवरोधों से अलग कर लिया। फिर भी इन पांच अक्षरों के दैमुकु की तुलना में ये सिद्धांत या मत लेटर डे ऑफ लॉ में आने वाले मनुष्यों की क्षमता के लिए या उनकी योग्यता को देखते हुए अनुपयुक्त हैं। समस्त जीवित प्राणियों की सारी शारीरिक और आध्यात्मिक बाधाओं का सच्चाई से पूरी तरह अंत करने वाला एकमात्र अद्भुत उपाय या तरीका नम्य हो रेंगे क्यों को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है। आदर के साथ निचरिन। रिप्लाई टू शिजो किंगो। परिशिष्ट। यह पत्र निचरिन दाइशुनिन ने 1277 में शिजो किंगो को लिखा था। दाइशुनिन कहते हैं कि क्योंकि सैद्धांतिक उपदेश जो लोटस सूत्र के प्रथम भाग में हैं, यह उजागर नहीं करते कि आत्मज्ञान या प्रबुद्धता शाश्वत है और इसलिए यह सतही ज्ञान है। इसमें वह शक्ति नहीं है कि वह मनुष्य को वो राह दिखा सके जिससे वह जीवन के अवरोधों से मुक्त हो सके और मूल अज्ञानता से उत्पन्न बाधाओं को पार कर सके। हालांकि आधारभूत या मौलिक सिद्धांत जो लोटस सूत्र के दूसरे भाग में वर्णित हैं, वे इन सीमाओं से पार यह समझाते हैं कि शाक्यमुनि बुद्ध न जाने कितने कल्पों से प्रबुद्धता प्राप्त करते रहे हैं। यह उपदेश भी लेटर डे ऑफ द लॉ के लोगों को लाभान्वित करने में सक्षम नहीं है। सिर्फ नम्य हो रेंगे क्यों के पांच अक्षर ही उन्हें प्रबुद्धता प्राप्त करने में समर्थ हैं।